सूर्य भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद हमने वार्म अप करना शुरू कर दिया। राम राम जी सभी लोगों। सुबह हम 7 बजे उठ गए एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे पहले हमने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद हमने वार्म अप करना शुरू कर दिया। मेरा भाई पीछे झाड़ू देता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने वार्म अप जारी रखा। बाकी उसके बाद हमने किए डंबल्स के साथ एक्सरसाइज। ये देख सकते हैं हमारी बॉडी कंडीशन कैसी है अभी। इसके बाद हमने जो दूसरा डंबल बनाया हुआ था उसके साथ 50-50 रैप्स किए और 2-2 सेट ही हमने किए हैं। और ये देख सकते हैं हमारी बॉडी कंडीशन अभी इस तरह की है। इसके बाद हमने चेस्ट की एक्सरसाइज की, इसमें हमने ओनली 20-20 रैप्स 3 बार मारे हैं, ओनली 20-20 रैप्स ही मारे गए हमारे। इसके बाद हमने लेग्स की एक्सरसाइज की, थोड़े स्क्वाट्स मारे हैं। तो ये देख सकते हैं हमने थोड़ा फास्ट मोड में रखा है ताकि आपको दिखा सके हम करते हैं एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। इसके बाद हमने डंबल्स अंदर रखे और जो पानी का टास्क होता है ये पानी पीना हमने शुरू कर दिया। राम जी सभी लोगों को, सुबह की एक्सरसाइज करने के बाद हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल्स में वॉलीबॉल के मैच हो रहे हैं, तो वहाँ हम देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, 10 बजे हमारी बस आती है, तो अभी 15 मिनट रहे हैं तो चलते हैं अब। तो अभी हम यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस अभी हमारे इधर बोक साइड को गई है, इसके बाद बस 15 मिनट में आने वाली है। मम्मी बोल तो रहे थे हमें कि छतरियाँ ले जाओ, लेकिन हम ही नहीं लाए, बोलते नहीं आती बारिश है। लेकिन मौसम अब ये बारिश वाला हो रहा है और आज 50% बारिश है भी लिखी हुई, तो कुछ भी हो सकता है। यह हमारी बस भी आ चुकी थी और हम निकल चुके हैं कलाउंग की तरफ। यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ से हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ से जंगल के रास्ते से कलाउंग के लिए शॉर्टकट रास्ता था, क्योंकि रोड अगर हम रोड से जाते तो बहुत लंबा पड़ जाता हमें, इसलिए ये शॉर्टकट रास्ता यहाँ से कलाउंग, जहाँ पर वॉलीबॉल के मैच हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे दोस्त भी मिल चुके थे एंड बहुत सारे यहाँ से लोग शॉर्टकट रास्ते से कलाउंग की तरफ जा रहे थे मैच देखने के लिए। तो हमें तो रास्ता पता नहीं था, तो हम भी इनके साथ साथ ही निकल पड़े मैदान की तरफ जहाँ पे मैच होने वाले हैं। तो यहाँ से अब नीचे सुनाई देने लग गया कि कहाँ पर मैच हो रहे हैं, यहाँ से नीचे दिखने लग गया था हमें थोड़ा बहुत ग्राउंड। तो यहाँ से अब पैदल नीचे हम रोड में पहुँच गए थे, तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे कमेटी जो टीम थी हमारे, तो उनका ही मैच चला हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेली थी दोनों टीमें, टक्कर का मुकाबला चला हुआ था, लेकिन यहाँ पे जीत है ये जो कमेटी वाली टीम थी जिन्होंने ये मैच आयोजित किया हुआ है, उनकी जीत हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टीमें आई हुई थी और कुछ टीमें इतनी तगड़ी टीमें आई हुई थी जिनको देखने का मन करे, आधे प्लेयर्स इतने तगड़े, जैसे मैं बोलूँ रांटा एक बंदा था उसमें, बड़ा ही तगड़ा बंदा था, जिसकी यूट्यूब में भी मैंने शॉर्ट्स देखी है, बड़ी वायरल गई हुई है, हिमाचल का बंदा है, बड़ा अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, मैं उसकी भी अभी क्लिप्स दिखाऊंगा आपको। तो उसको देखने का तो मज़ा ही कुछ और है, जो बॉल फेंक दे टप्पे मार मार के। मुझे यार जितने भी मैच हुए उसमें 2-4 बंदे इतने तगड़े लगे, जो खेलते ही इतना तगड़े तरीके से है। बाकी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाना बन रहा है क्योंकि सभी प्लेयर्स बड़े दूर दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों को, जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं, तो उनके लिए खाने का प्रबंध भी किया गया था कमेटी वालों की तरफ से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राउंड है, बाकी चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है। मेरा आ गया है, मार दे मेरा आ गया, सेंटर के चक्कर में चला गया था, पर मार दे थोड़ा जोश में आके सेंटर के रहा था पर को ये ओ भाई हो गई ज्यादा बात। हां
तो यहाँ पे यार बड़े ही तगड़े मैचेस चले हुए थे, लेकिन थोड़े छोटे मैचेस करवाए हैं 15-15 के ही। लेकिन ये देख सकते हैं, ये अमित रांटा है जो बड़ा ही तगड़ा खेलता है, जिसकी बात कर रहा था मैं अभी तक। और फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कादार कुंडार मंदिर का, मंदिर के सदस्यों का, जिन्होंने हमें चावल इस जग के लिए दिया था। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजा कॉटेज श्रीमा का, जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि हमें इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दी थी। इसी कड़ी में मैं नाम देना चाहूंगा श्री करण श्रीमा का, जिन्होंने 200 रुपए की राशि हमें प्रदान करी। श्री रतन ठाकुर जी श्रीमाग वाले, उन्होंने भी हमें 2,000 रुपए की राशि प्रदान करी। श्री संदीप ठाकुर कलाम जी का, जिन्होंने 500 रुपए की राशि हमें भेंट दी। श्री राम सिंह शमन जी का, जिन्होंने 1,000 रुपए की राशि हमें प्रदान करी। श्री दुर्गा सिंह ठाकुर जी का काग वाले, जिन्होंने 1,100 रुपए की राशि हमें प्रदान करी। और कल जो कोटी की लड़कियों ने मैच दिखाया था, प्रसाद करो ने पांच। हे गाइस, राम राम जी। अभी बजे है शाम के 4:30 और हम अभी मैच देख के चल पड़े हैं घर की ओर। तो ये अभी हम है जंगलों में, इधर इन जंगलों से शॉर्टकट जाता है ऊपर सड़क तक, मेन सड़क तक। तो मैचेस तो आज ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा टीमें थी, तो कल भी मैचेस होंगे, फाइनल्स तो कल ही होंगे, इसलिए आज पूरे ओवर नहीं हो पाए मैचेस। बाकी देखते हैं अगर कल आ पाए हम। और अब घर जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट से हम। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर रही, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं आप, पेड़ ही पेड़ है सीधे सीधे, तो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी इधर पे। बाकी यहाँ पे चढ़ाई है तो थक गए थोड़े बहुत हम। Hey guys, अभी हम पहुंचे हैं सिलोन बाग। अभी हमारा कुरियर का पैकेज फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था वो आया है, देखते हैं ज़रा इसमें सामान ठीक भी आया है कि नहीं। ये इसका डब्बा, 2 घड़ियां मंगाई थी हमने, क्वालिटी बढ़िया ही लग रही है वैसे तो। तो अभी बज रहे हैं 7:00। आज के व्लॉग में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।